ठीक है जी। ठीक प्रोटेक्शन मेथड, क्लास छोटी होगी बट पावरफुल बहुत रहेगी। ठीक है जी, आपको प्रोटेक्शन के बारे में ठीक पहले है। से कुछ पता है, शीट को प्रोटेक्ट करने के बारे में? सर किया तो है लेकिन फिर अब यूज इतना होता नहीं है तो माइंड में रह रहा है नहीं। देखिए, प्रोटेक्शन की होल थ्योरी जो है ना, वो आपके मतलब वैसे तो बहुत काम आएगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या होता है इसमें। जो प्रोटेक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है। एक आपका होता है सेल प्रोटेक्शन, देन वही आपका शीट प्रोटेक्शन भी होता है, उसके बाद आपका होता है वर्कबुक प्रोटेक्शन, जो जो कि पूरी फाइल में होता है, मतलब इस वर्कबुक में होता है, इसके स्ट्रक्चर वगैरह में। एक होता है कि फाइल में पासवर्ड लगा देते हैं, जैसे खुलने से पहले दिखाए ना कुछ पासवर्ड मांगे, तो ये हाँ सब, जी इन सब पे आधारित हमारा ये प्रोटेक्शन का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल प्रोटेक्शन क्या होती है। सेल प्रोटेक्शन और शीट प्रोटेक्शन एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। अब हर एक जी सर सेल जब हम यहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं राइट क्लिक करके शीट के ऊपर, तो एक प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आता है और यहाँ पासवर्ड दे देते हैं और ओके कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारी शीट प्रोटेक्ट हो जाती है। जब हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो इस पर लिख नहीं सकते, खाली देख सकते हैं। मेन प्रोटेक्शन इस पर चलता है, बट इसको कस्टमाइज किया जा सकता है, क्योंकि कुछ सेल मान लीजिए आपने प्रोटेक्ट कर दिया, आप चाहते हैं कुछ में लिखवाना है और कुछ में नहीं लिखवाना, ठीक है जी। तो इन सबको डील करते हैं सेल प्रोटेक्शन के जरिए। बाय डिफॉल्ट जो होता है, हर एक सेल प्रोटेक्टेड होती है, हर एक सेल प्रोटेक्टेड होती है। कैसे देखेंगे, जो नंबर फॉर्मेटिंग का आप ऑप्शन करती हैं, यहाँ से कंट्रोल वन से भी आता है, तो सबसे लास्ट होता है प्रोटेक्शन, ठीक है जी। तो इसमें दो फील्ड होती हैं, अपना लॉक्ड और हिडन। बाय डिफॉल्ट जो है, हर कोई लॉक्ड होता है। अगर ये लॉक्ड चेक है तो इसका मतलब है कि ये सेल जब आप शीट प्रोटेक्ट करेंगे तो ये लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है जी। अगर लेट सपोज मैं क्या ठीक करता हूं कि इतना एरिया जो है इसको इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूं ताकि पता पड़े। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और प्रोटेक्शन करके यहां से मैंने हटा दिया, अनचेक कर दिया, ठीक है जी, ओके किया। तो अब जब मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा तो क्या होगा, मैं बाहर कहीं लिखने की कोशिश करूंगा तो ये एरर दिखाएगा मुझे, बट इन सेल में मैं लिख सकता हूं, ठीक है जी। ये अनलॉक्ड रहेंगे प्रोटेक्शन के टाइम पे, तो बाय डिफॉल्ट तो सारी प्रोटेक्टेड होती हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसको हम जैसे कोई फॉर्म वगैरह बना रहे हैं तो उसमें यूज किया जाता है। अनप्रोटेक्ट कर दिया मैंने शीट को, इसको हटा देता हूँ, तो एक सिंपल सा फॉर्म बनाता हूँ जो कि हम आगे VBA में भी बनाएंगे। नेम, रोल नंबर और मार्क्स, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कि खाली इसी की एंट्री हो और किसी की हो ना, मैं बाकी ये सेल ना चेंज कर पाऊँ, तो मैं इनको पहले सिलेक्ट करूंगा। कंट्रोल के साथ क्लिक क्लिक करके मैंने तीनों सिलेक्ट कर लिए। आप देख सकते हैं कि एक साथ चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर। तो अब मैं इन तीनों को क्या करूंगा, कंट्रोल वन पे जाके लॉक्ड हटा दूंगा, ठीक है जी। रेस्ट ऑफ ऑल जो है मेरे ख्याल से प्रोटेक्टेड। अगर आप श्योर नहीं है कि सारे लॉक्ड हैं कि नहीं, तो एक बार सबको सिलेक्ट करके एक बार लॉक कर लीजिए, और फिर जिनको आपको अनलॉक करना है उनको सिलेक्ट करके अनलॉक कर दीजिए, ठीक है जी। अब मैं जब इसको प्रोटेक्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, कहीं भी और नहीं लिख सकता, मैं कहीं कुछ नहीं चेंज कर सकता, केवल यहीं बदल सक अपना डाटा दे सकता हूँ, ठीक है जी। ठीक तो इस तरह से मैं दे सकता हूँ डाटा और कहीं नहीं लिख सकता, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि क्या करें कि ऐसा कि ये जो सेल्स है ना, हम चाहते हैं कि यूजर हमारी शीट में से कुछ भी कॉपी ना कर पाए, तो कॉपी करने के लिए आप जानती हैं आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें यहाँ से सिलेक्ट करनी होता है डेटा, देन हम कॉपी पे जाते हैं, ठीक है जी।
तो इसमें कॉपी रोकने का अलग से तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ हम एक चीज कर सकते हैं कि सिलेक्शन रोक सकते हैं। अनप्रोटेक्ट करता हूँ मैं शीट को, वापस प्रोटेक्शन में जाता हूँ। तो जब हम इन ऑप्शंस को देखेंगे तो इसमें ये पाएंगे, यहाँ पे तो हम देते हैं पासवर्ड, ठीक है जी, कोई भी पासवर्ड देंगे वही उससे आपकी शीट अनलॉक होगी। दूसरे जो ये ऑप्शंस हैं आपके इस लिस्ट में, ये हैं आपकी एक्सेप्शंस कि इसके अलावा सब कुछ प्रोटेक्टेड हो जाए, मतलब प्रोटेक्शन के दौरान आप क्या क्या कर पाएं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे, सिलेक्ट लॉक्ड सेल, सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। तो लॉक्ड अनलॉक हमारे पास दो तरह की सेल है इसमें, तो मैं क्या करूंगा जो लॉक सेल का सिलेक्शन जो चेक है उसको हटा दूंगा, ठीक है जी। ठीक है, उस केस में क्या होगा, मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा, मैं कर रहा हूं पर ये कर्जर वहां नहीं जाएगा, ठीक है। यहां तक कि अगर मैं टैब भी दबाता हूं तो ये इन्हीं तीन पे मूव करेगा जो कि अनलॉक सेल होंगे, ठीक है जी। बाकी को सिलेक्ट करने नहीं देगा तो कॉपी कहां से करेगा, ठीक है जी। ठीक है, तो इसमें चाहे तो आप पासवर्ड भी दे सकती हैं, और ये ही प्रोटेक्शन के ऑप्शन आपके रिव्यू के अंदर भी होते हैं। रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर वर्कबुक है, ठीक है जी। अब क्या करते हैं कि ये तो बात रही सेल्फ प्रोटेक्शन की, एक एक हम कैसे करते हैं, और अगर मान लीजिए इसका रिवर्स करना हो कि इन तीन को छोड़ के और कहीं ना लिखा जाए, क्या करेंगे। सिंपल सा है, पहले सबको हम अनलॉक कर देंगे, मतलब इन तीन को छोड़ के बाकी सब जगह लिख चुके हैं, सारी अनलॉक कर दी, फिर इनको सिलेक्ट करके मैंने लॉक कर देना। तो ये मेथड अप्लाई कर सकती है लॉकिंग अनलॉकिंग के लिए प्रोटेक्ट शीट में। अब मैं सिलेक्शन भी दे देता हूँ, सिलेक्ट लॉक्ड से पासवर्ड ABC, कंफर्म पासवर्ड के लिए पूछेगा दोबारा, ठीक है जी। अब मैंने पासवर्ड लगा दिया तो मैं यहाँ नहीं चेंज कर सकता, पर यहाँ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है जी। एक सेकेंड, हाँ जी। तो फिर अब देखते हैं, तो मैं बाकी जगह लिख सकता हूँ बट इसमें नहीं लिख सकता। अब बात आती है इसमें, चलिए इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, अनप्रोटेक्ट करता हूँ इसको, ABC पासवर्ड दिया था मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा, अगर पासवर्ड भूल गए तो, हाँ अगर पासवर्ड भूल गए तो क्या प्रोसीजर है? पासवर्ड भूल गए तो यहाँ तो भूल सकते हैं, यहाँ तो तोड़ने के बड़े रास्ते हैं, सॉफ्टवेयर हैं, एड इन्स हैं, बहुत सारे हैं, पासवर्ड क्रैकर करके हैं, आपको मिल जाएंगे नेट पे। बट VBA का पासवर्ड आप नहीं भूल सकते, VBA को तोड़ा नहीं जा सकता है। इनको तो मैं तोड़ देता हूँ किसी भी पासवर्ड को, आपको चलो तोड़ के भी दिखाता हूँ। एक्सेल ऑप्शन, एड इन्स वाला पार्ट सर ने बताया होगा आपको शुरुआत की क्लास में। गो में जाता हूँ और यहाँ से मुझे ब्राउज करना पड़ेगा पासवर्ड का, एक एक्सेल फाइल होती है एक्सेल एड इन करके, तो वो जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड रिमूवर, ये आपको नेट पे मिल जाएगा, ठीक है जी। ये थोड़ा हर एक अलग अलग तरह का होता है। तो मेरे पास आ गई है कि स्टार्क्स की वो एक टैब बन के आ गया, तो इसमें मेरे पास अनप्रोटेक्ट का मेथड है। तो प्रोटेक्ट मान लीजिए मैं करता हूँ ABC, ठीक है जी, ABC, अब मैंने प्रोटेक्ट कर दिया है, अब मैं अनप्रोटेक्ट शीट करता हूँ, ठीक है जी। अब राइट क्लिक करके देखेंगे, वापस प्रोटेक्ट का मेथड आ रहा है, मींस अनलॉक हो चुकी है ये, ठीक है जी। तो मतलब नेट पे आपको ये मिल जाएगा, इसका तोड़ने का मिल जाएगा बट आपको VBA का नहीं मिलेगा। VBA का मैंने खूब ट्राई किया, इन्होंने बहुत सिक्योर कर रखा। अब बात करते हैं यूजर लेवल प्रोटेक्शन की। ये तो बात थी कि ये आप ही यूज कर रहे हैं, पर एक जगह एक सिस्टम होता है कि मान लीजिए मैनेजर एक एम्प्लॉई है, उसके कुछ टास्क हैं, ठीक है जी, टास्क 1 2 3,
और यहाँ पे मैनेजर जो है इधर इन पे अप्रूवल देगा, ठीक है जी। एम्प्लॉय ने किया कि वो टास्क बताएगा अपने, मैनेजर यहाँ से अप्रूव और रिजेक्ट चूज करेगा, ठीक है जी। अप्रूव्ड रिजेक्ट जो भी देगा, हम इस तरह का मान लीजिए हमने सिस्टम बना लिया, बट अगर मैं ये शीट देता हूँ तो मैनेजर ने लिखा है या उसने लिखा है हमें कैसे पता पड़ेगा, नहीं पता पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ इसमें यूजर लेवल प्रोटेक्शन देता हूँ, पहले मैं सबको लॉक कर देता हूँ, पहले तो डिफॉल्ट जैसा। देन अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये एम्प्लॉय की टेबल ये रेंज सिलेक्ट की कि एम्प्लॉय कहाँ कहाँ एंट्री करने वाला है। देन चला गया रिव्यू में, रिव्यू के अंदर अलाउ यूजर टू एडिट रेंज का एक ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे, इसमें न्यू करेंगे। इसमें बेसिकली वो रेंज देनी है हमें, जैसे एम्प्लॉय के लिए मैं कोई भी नाम दे देता हूँ EMP, तो ये मेरा यहाँ पे रेफर्स टू सेल D3 to F3 ये आ रहा है, सिलेक्ट कर रखा है। इधर मैं पासवर्ड दे देता हूँ EMP पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है जी। और इस पे परमिशन दे दे सकता हूँ, वैसे तो जरूरत नहीं है उनको, मतलब आउटलुक में से भी परमिशन वगैरह ले सकते हैं कि इस यूजर को होनी चाहिए कि इसको नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक कॉमन क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें मैंने पासवर्ड दे दिया, ओके कर दिया, दोबारा वही पासवर्ड डालना पड़ेगा, ओके कर दिया, ठीक है जी। EMP नाम की रेंज बन चुकी है आपकी, ठीक है जी। अब दूसरी रेंज बनाता हूँ एक MGR, ये मैनेजर के लिए, इसकी सेल्स ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये वाली सेल्स है, ठीक है जी। रेंज का पासवर्ड क्या रहेगा, MGR, ओके। अच्छा दोबारा पासवर्ड डालना, MGR। तो दो चीजें मैंने डाल दी, अप्लाई कर दिया, प्रोटेक्ट शीट यहां से कर दे या वहां से कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। इसको प्रोटेक्ट कर दिया मैंने। अब मैं कहीं भी टाइप करने की कोशिश करता हूँ, नहीं देता, ठीक है जी, नहीं करने देगा। यहाँ पे जब टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो ये पासवर्ड मांगता है, ठीक है जी। अगर आपने सही पासवर्ड दिया तो आप एंट्री कर पाएंगे, ठीक है जी। पर मैनेजर के लिए फिर पासवर्ड मांगेगा, तो मैनेजर जब तक अपना पासवर्ड नहीं देगा ये खुलेगा नहीं। तो जैसे ही ये शीट जाएगी वो अब मैनेजर कर सकता है, तो हर एक को अपना अपना पासवर्ड देना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये यूजर लेवल प्रोटेक्शन होता है हमारा, ठीक है जी। इसको मैं अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ शीट को। तो ये था आपका शीट प्रोटेक्शन के बारे में, जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट तरह से सर, अगर इसको। आप मैनेजर पासवर्ड, हेलो हाँ जी, सर, मैनेजर पासवर्ड चेंज कर सकता है? अगर हमने पासवर्ड बनाया तो वो चेंज कर सकते हैं, अगर जैसे आउटलुक के थ्रू भेजा जा रहा है उसे? हाँ, अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज में जाके आप यहाँ पे जाके मॉडिफाई कर सकती हैं, ठीक नहीं, है। हमने न्यू तो हम तो पास, चेंज कर सकते हैं, हमने पासवर्ड हाँ लगाया है, हाँ जो मैनेजर जिसको शीट भेजी गई है वो चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, प्रोटेक्ट शीट कर दिया, ठीक है जी। अब अगर मैं इसमें ये कर रहा हूँ ना, तो ये पासवर्ड मांग रहा है, प्रोटेक्ट करके भेजी है मैंने, तो ये मेरा ऑप्शन डिसेबल दिखा रहा है, ठीक है जी। बगैर उसके हाँ नहीं कर जी, सकते ये। क्या है ना कि जैसे ही शीट प्रोटेक्शन आप ऑन करते हैं सारे फीचर डिसेबल हो जाते हैं, कुछ को छोड़ के। यहाँ देखिए ना, बोल्ड, इटैलिक, कुछ भी नहीं कर सकते मतलब कोई इवन। दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि जो हमने बनाई है वही कर सकता है ना, जिसने पासवर्ड डाला है। बिल्कुल 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 वही कर सकता ठीक है, है, ठीक है जी। देन अब आपको शीट प्रोटेक्शन के बारे में काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, यही बेसिकली मेन, यही आपका मेनली काम आएगा आपके। देन आपका, सर हाँ आप जो है डायरेक्ट फॉर्मेट सेल में कैसे जा रहे हो? मीन्स जो प्रोटेक्शन की शीट खोल रहे हो, आप डायरेक्ट कैसे जा रहे हो उसमें? Ctrl 1, Ctrl 1, तो हाँ। बता दिया, बताया नहीं ना आपने, तो पता नहीं चला ये सब। पता अच्छा, वो मैंने सोचा आपको शॉर्टकट्स लिस्ट आपने पढ़ ली होगी,
इसीलिए होता है ना, शॉर्टकट वगैरह हम पहले ही पढ़ाते हैं वो ताकि शॉर्टकट इतने सारे हैं कि कहाँ याद, इतने एकदम से माइंड में यूज ना करे तो पता नहीं चलता ना। कोई नहीं, कंट्रोल की के साथ जितने हैं उनको तो पढ़ लीजिए, कम से कम कंट्रोल वाले पढ़ लीजिए, बाकी आपके आल्ट की वाले हैं। ठीक है जी, अब देखिए वर्कबुक प्रोटेक्शन होता है, अभी तो बात हुई कि शीट टू शीट प्रोटेक्शन है, मतलब जिसको करेंगे वही शीट प्रोटेक्टेड होगी बाकी खुली रहेंगी। एक आता है वर्कबुक प्रोटेक्शन, वर्कबुक प्रोटेक्शन का शीट प्रोटेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है जी, उसमें क्या होता है कि आप एक पूरी वर्कबुक में आप मान लीजिए कोई क्या कर सकता है कि कोई शीट डिलीट कर सकता है या कुछ कर सकता है, एक ही शीट तो कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई इसका डाटा डिलीट ना कर पाए, मतलब शीट डिलीट ना करे, तो इसके लिए होता है वर्कबुक प्रोटेक्शन। ठीक है जी, तो वर्कबुक प्रोटेक्शन के लिए जाएंगे रिव्यू में, प्रोटेक्ट वर्कबुक। ठीक है जी, ये पहला ऑप्शन, इसमें दो ऑप्शन है, स्ट्रक्चर और विंडोज। जैसे ही मैं स्ट्रक्चर पे करके सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैंने वर्कबुक प्रोटेक्ट करी, मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ तो मेरे काफी सारे इंसर्ट डिलीट रिनेम मूव कॉपी और इनके ऑप्शन मेरे हाइड हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, ना मैं कोई शीट ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर, ना कोई डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है जी, उसमें जो दूसरा ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक में, इस विंडोज वाला, विंडोज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना मिनिमाइज बटन है, क्लोज का बटन है, किसके लिए, वर्कबुक के लिए। अगर आप विंडोज को भी प्रोटेक्ट कर देंगी तो ये तीन बटन आपको दिखाएगा नहीं। ठीक है जी, मतलब ये होल एज अ होल खुद एप्लीकेशन बन जाता है, इसमें कोई और वर्कबुक ऐड नहीं हो सकती इस टाइम। ठीक है जी, मतलब इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते हम, मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, ना कोई शीट इंसर्ट कर सकते। ठीक है, अनप्रोटेक्ट करता हूँ, देन ये दो ऑप्शन हो गए आपका, वर्कबुक प्रोटेक्शन और शीट प्रोटेक्शन और यूजर लेवल प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है जी, तीसरा सर, प्रोटेक्शन इसका मैथ, यूज क्या है, प्रोटेक्शन, इसका यूज क्या है? देखिए इसका यूज आप पता नहीं करते, नहीं कि हम लोग करते हैं जरूर। मैं किसी को अगर कोई सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ ना तो उसे प्रोटेक्ट करके देता हूँ। मैं क्या है कि मैं मतलब डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर बनाता रहता हूँ इनके, तो उसमें क्या होता है कि यूजर कुछ भी मेरा सेटिंग हिला सकता है, तो मैं उनके प्रोटेक्ट करके देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिनिमाइज करना हो और ये जो जूमिंग करना, उसमें क्या इतना, उसमें तो ऐसे कोई प्रोटेक्शन की क्या उन्होंने जरूरत दे रखा है, कभी आपको जरूरत पड़ सकती है, ऑप्शन है इधर जब भी आपको जरूरत पड़े उसके लिए, ऐसा है ना। ऑप्शन तो कई सारे फालतू है, एक ही काम कई सारे फंक्शन कर रहे हैं, है जी, उनका काम तो बनाना है, क्या पता जरूरत पड़ जाए किसी को, आपको नहीं है तो कोई बात नहीं। अब जैसे जो प्रोटेक्शन मेथड वगैरह है, हम लोग, ये मेरा सॉफ्टवेयर है जिसको मैंने एक इंडिया टुडे के लिए बनाया है, तो ये सब प्रोटेक्शन में क्या है कि मैं इसका डाटा नहीं चेंज कर सकता, कहीं कुछ लिख नहीं सकता। ठीक है जी, जो मैं चाहता हूँ खाली वही काम होगा, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। कोई मेरे जैसे बटन वटन नहीं डिलीट कर सकता। ठीक है जी, इन पे मैंने मैक्रो सेट कर रखे हैं, तो कोई डिलीट कर दे मेरा मैक्रो ही बर्बाद हो जाए, तो प्रोटेक्शन मेथड इनके लिए यूज करते हैं। इसको मैं कोडिंग के जरिए प्रोटेक्ट करवाता हूँ, कोडिंग के जरिए ही रिलीज करवाता हूँ जब जरूरत होती है। ठीक है जी, ये हालांकि कमाल की एप्लीकेशन है, ये उनकी वेबसाइट से सारा डेटा उठाती है, उसके बाद वर्क करती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कस्टमर्स के लिए उन्होंने बनाई है। और तो मैं बात कर रहा था, हमने देखा शीट प्रोटेक्शन, वर्कबुक प्रोटेक्शन, अभी इन सब में क्या है कि आप शीट को देख पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरी शीट को कोई देख ही ना पाए बगैर पासवर्ड के, क्या होता है, अभी तक मैंने सेव नहीं किया, तो इस ऑप्शन को लगाने के लिए आपको सेव करना पड़ता है पहले शीट को। ठीक है जी, मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ, प्रोटेक्शन के नाम से सेव करता हूँ। ठीक है जी, पासवर्ड देने के लिए सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पे टूल्स, ठीक है जी, इसमें, और ये आपके जनरल ऑप्शन है, यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा, दो तरह के पासवर्ड होंगे इसमें, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई।
मॉडिफाई करने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि शीट प्रोटेक्शन से भी काम कर सकता है, बट हमें जो है पासवर्ड टू ओपन चाहिए, तो मैं एबीसी इसका भी कर देता हूँ, एबीसी, ठीक है जी। अब मैं सेव कर देता हूँ फाइल को, मॉडिफिकेशन के लिए चूज करेंगे तो वो मॉडिफिकेशन के लिए जब भी कुछ लिखना चाहेंगे तो पासवर्ड मांगेगा। अब क्या है कि मैं प्रोटेक्शन, अब ये शीट खोलता हूँ, शीट खुलने से पहले मेरे से पासवर्ड मांगेगा ये, ठीक है जी। पासवर्ड दूंगा ठीक है, अगर मान लीजिए गलत दे दिया मैंने तो गलत, हाँ खुलेगी सर नहीं। अगर ये भी हम भूल जाए तो पासवर्ड, इसका भी है कोई लॉक? इसका भी तोड़ नहीं है इसका तोड़ नहीं है, ना, शीट डैमेज ही एक तरह से। मतलब अगर शीट प्रोटेक्शन में दे रखे हैं ना उसमें ऑप्शन, लोग कर पा रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट चाहता था कि ये इसकी प्रोटेक्शन टूटे, पर जहां वो नहीं चाहता है ना तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता, बहुत सिक्योर होते हैं, क्योंकि कईयों की रोजी रोटी उसी पर डिपेंड करती है ना। अब ये आपने देखा होगा जैसे बैंक वाले होते हैं, स्टेटमेंट भेजते हैं हर एक की अलग अलग, उसमें पासवर्ड लगा देते हैं, तो ये पासवर्ड मैंने भी तो एक्चुअली फाइल में डाला था पासवर्ड, वो मैं अनलॉक नहीं कर पाई उसको, मुझे अब फाइल डैमेज है। हाँ शीट प्रोटेक्शन ऑफ कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं, इसके पासवर्ड में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है जी। बाकी तो हमने ये भी देख लिया कि पासवर्ड कैसे लगाते हैं। अब ये फाइल सेव है और मुझे पासवर्ड चेंज करना है, तो मैंने जो आपको ऑप्शन बताया वो था कि फाइल सेव करते टाइम है, पर इसमें कहाँ ढूंढेंगे फिर, ठीक है। अब तो सेव हो गई, तो यहाँ पे जो ऑफिस बटन है इसमें चले जाइए, और प्रिपेयर में चले जाइए यहाँ पे, और एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, तो एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में करेंगी तो यहाँ पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या हटा सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने पासवर्ड हटा दिया, ओके कर दिया, सेव कर दिया, अब ये खुल रही है, ठीक है जी। तो ठीक है सर, ये था आपका प्रोटेक्शन का टॉपिक, मेरे ख्याल से मैं अपनी तरफ से क्लियर रहा हूँ इस चीज में, ठीक है जी। एक्सेल में प्रोटेक्शन को लेकर समझे इतना ही होता है, ठीक है जी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, याद रखिए, कोशिश कहिए, और शॉर्टकट की सर। प्रैक्टिस। आपने जो नंबर दिया ये आप ही गई है ना, हाँ जो आप जिससे आपकी कॉल आई थी वो आप ही गई नंबर है ना? हाँ मेरा ही नंबर है, ठीक है वो जी। एक्चुअली सर मुझे पहले ही बताया था सर ने कि प्रोग्रामिंग के लिए बनाने के लिए, वो आपसे बात कर ले इस बारे में, वो कह मतलब रहे हैं। ब, ब